प्रदेश सरकार पूरे देश को अपराध मुक्त करने का दावा करती है और योगी के कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस बड़े एक्शन के साथ एनकाउंटर और अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ही एक बड़ी वारदात जनपद शामली के सिटी पोर्ट्स कॉलोनी पंजाबी कॉलोनी से सामने आई है, जिसमें अजय पाठक नाम के बड़े गायक एवं उसकी बेटी और पत्नी की हत्या बदमाशों ने धारदार हथियारों से काटकर कर दी। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अजय पाठक का 10 वर्षीय बेटा अभी घर से गायब है। इस पूरे मामले में जनपद शामली के पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल का कहना है कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया है और कई एंगल से इन हत्याओं का पता लगाने का प्रयास चल रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल परिवार की धारदार हथियार से हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैली है और हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती बना है, क्योंकि मरने वाला एक प्रसिद्ध गायक है। हमें तो जब पता लगा सामने कमरे में मारी बेटी है, वसु भतीजी मारी, वो मरी पड़ी थी, ऊपर बेडरूम में ताला था। मैं तो उसे वसु को देख के वापसी भाग गया, बाहर मेरी तो हालत होगी खराब। बाद में उस गालियों का फोन आया, मारा तो ना आंसू पड़ा, आज स्नेह को दोनों को मार रखा। बस मैं भागा भागा गया तो मैंने देखा जी को यहाँ से काट रखा और स्नेह सारी कुन्नम कुन और किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा उसे। अच्छा बेटा भी था, बेटा मिला है? बेटे का मारे का पता नहीं, मेरे बच्चे का कहाँ है, वो छोटा 11 साल के बच्चे का पता नहीं मारे जी कहाँ है। गाड़ी भी साफ है, हम सोच रहे करनाल गए थे, रात कर रहा था कर रहा था। क्या करते थे जो अजय पाठक जी थे? ये तो वो था भाई, गायक नहीं था, गया जागरण वाला।